नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। देखिए यहाँ पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आई हुई है। वह नोटिफिकेशन क्या है सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो का एक लाइक करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट करना है। बस इतना ही काम करना है, उसके आगे का प्रोसेस क्या है हम आपको अभी बताते हैं। देखिए ये इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर वीडियो क्या बनाया जा रहा है, आज का कौन सा टॉपिक है तो 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे। पुणे की तरफ से जो है यहाँ पर जो भी किरकी वर्कशॉप है, जो आर्मी बेस 512 आर्मी बेस है, उसकी तरफ से जो है यहाँ पर क्या हुआ है, एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आ रही है। महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों देखिए आर्मी बेस में जो है यहाँ पर हमारा भी नंबर आया हुआ था और आपका भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, सब कुछ जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हमारा कौन सा आया था तो यहाँ पर 515 जो कर्नाटक बेंगलोर में जो है यहाँ पर, वहाँ से जो है यहाँ पर 515 आर्मी बेस से जो है हमारा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि 512 में आपको कैसे सिलेक्शन होगा, वह भी दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारा हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, उसमें जो है हम आपको बताएंगे कि उसका जो कॉल लेटर होता है वह कैसे होता है, वह भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वह आपको जमा करने हैं। लास्ट डेट 7 तारीख दी हुई है और यहाँ पर आपकी एग्जाम भी होगी, रिटर्न एग्जाम कब होगी वह 28 फरवरी को जो है यहाँ पर शेड्यूल लगाया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है आपकी 14 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको, ITI पास होना चाहिए और यहाँ पर जो है आप 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10th+ITI आपका होना ज़रूरी है, आपका जो यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेड से होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है अभी देखते हैं, आपको जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG इस वेबसाइट पर क्या करना है, जाके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में जो है आपको इसको भी अप्लाई करना है। यह जो टाइमिंग पीरियड रहने वाला है वह ट्रेनिंग कितनी रहने वाली, 1 साल की रहती है। और यहाँ पर जो है देखिए कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ITI के मार्क, 10th pass certificate, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है होना ज़रूरी है आपके पास में। डॉक्यूमेंट को आपको कैसे सबमिट करना है और कहां पर सबमिट करना है, देखिए यहां पर 7 फरवरी यानी 7 फरवरी के पहले आपको यह डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। कहां पर, देखिए 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी, इस पते पर जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जमा करवाने हैं। और यहाँ पर उसके बाद में उसके ऊपर क्या करना है, 5 रुपये का जो है स्टैंप एफिक्स्ड ऑन, यानी उसके ऊपर 5 रुपये का टिकट चिपकाना है और आपको भेज देना है। इतना करने के बाद आपको उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जो है यहाँ पर आपका 28 फरवरी को कितना, 28 फरवरी को क्या होगा आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वर्कशॉप की तरफ से। उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उसका बाद में जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा, वह आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर 8000 और डिग्री वालों के लिए 9000 रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। हम सीधा यहाँ पर ITI के देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ITI में भी हम टर्नर का देखेंगे, टर्नर का कितना है, 12 सीटें हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए वेल्डर
गैस एंड इलेक्ट्रिकल कितना है 22 है। उसके बाद में फिटर, फिटर का कितना है 23। उसके बाद में मशीनिस्ट, मशीनिस्ट का कितना है 17 और मशीनिस्ट ग्राइंडर कितना है 4 है। यानी यहाँ पर देखिए 17 सीटें यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए और मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 4 सीटें और इलेक्ट्रिशियन के लिए 29 यानी 29 सीटें यहाँ पर है। देखिए इसमें और एक महत्वपूर्ण क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले। महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट लगता है आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वह ओएमआर सीट में होगा। देखिए यहाँ पर ओएमआर सीट बेस्ड, यहाँ पर 50 मार्क का जो है यहाँ पर यह एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम का टाइम जो है यहाँ पर 45 मिनट रहेगा, मॉर्निंग में 9 बजे से 9:45 तक। यहाँ पर जो है दो पार्ट में आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट में क्या आएगा देखिए, जनरल नॉलेज, मैथ और साइंस, इंग्लिश एंड साइंस। और सेकंड पार्ट में जो है यहाँ पर 30 मार्क्स का रहेगा, उसमें सब्जेक्टेड यानी ट्रेड थ्योरी, स्ट्रीम स्पेसिफिक यह रहेगा। और देखिए यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कब करना है, बिफोर 6 आवर, एग्ज़ाम के 6 घंटे पहले जो है आपको रिपोर्ट करना है। और आपके जो रिजल्ट है वह कब जारी होगा, तो वह जारी होगा 8 मार्च को। हो गया इतना तो, अभी उसके बाद में आपको क्या क्या करना है देखिए। और एक महत्वपूर्ण क्या है, जो भी यहाँ पर 512 में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, हमारा जो है फ्रेंड वहाँ पर ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रहा है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ आपके डाउट्स है, कुछ सवाल है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में है तो हम उसको कॉल करके आपको बताएंगे। चलिए और क्या क्या दिया गया है देखिए, बस इतना ही है। बाकी सब यह नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसे जो है भेज दिया है। देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण क्या आता है देखिए, यहाँ पर कौन सा भी यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग लीजिए, कौन सा भी यहाँ पर जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में आपके ऊपर केस चल रहा है तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर नहीं जारी होता है, यह ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो है इस एज में जो है यहाँ बहुत झगड़ा करने का शौक होता है, थोड़ी सी बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर PVC यह जारी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। जब तक आप लड़ाई झगड़े या आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो यह जारी नहीं होगा, और यह जारी नहीं होगा तो आपको वहाँ पर कोई भी नहीं लेगा, यह ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर एनेक्सर बन दिया है, इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, आप इसे ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और यहाँ पर इस वीडियो का एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल करके पर सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।